महाराष्ट्र तलासरी पास नेशनल हाईवे नंबर 8 पर अकस्मात सर्जाय अकस्मात ने पगले कंटेनर और टैंकर में भीषण आग लागी गई थी। आग एटली भीषण थी कि एक तरफ ना रस्ता पर ट्राफिक जाम थी गयु और महामेहनते परिस्थिति काबू में आई थी। आगे की वधु माहिती साथ मानव ठाकुर अमारी साथ फोन लाइन पर जोड़ाया है। मानव जी रीते समाचार है, भीषण आग लागी है अकस्मात बाद कंटेनर अने टैंकर वच्चे अकस्मात सर्जाय के रीते अकस्मात सर्जाय कोनी बेदरकारी सामे आवी छे हाल त्या परिस्थिति केवी छे। महत्वनु छे तलासरी पासे नेशनल हाईवे नंबर 8 पर अकस्मात सर्जायो छे। कंटेनर अने टैंकर वच्चे अकस्मात सर्जायो, अकस्मात सर्जातानी साथे ज भीषण आग लागी हती। एक तरफ ना रस्ता पर ट्राफिक जामना दृश्यो पण सर्जाया हता। तात्कालिक फायर ब्रिगेड अने पोलीस नी टीम घटनास्थळ पर पहुंची गई हती। तलासरी पासे नेशनल हाईवे नंबर 8 पर नी आ घटना छे, आप दृश्यो मां पण जोई शको छो। अकस्मात थता कंटेनर अने टैंकर मां भीषण आग लागी हती। अकस्मात ने पगले हाईवे पर पण चक्का जाम थई गयो हतो। कंटेनर अने टैंकर वच्चे जे रीते अकस्मात सर्जायो त्यार बाद भीषण आग लागी हती। आगे वधु माहिती साथे मानव ठाकुर अमारी साथे फोन लाइन पर जोड़ाया छे। मानव जे रीते समाचार छे, कंटेनर अने टैंकर वच्चे अकस्मात सर्जाया बाद भीषण आग लागी छे। हाईवे पर चक्का जामना दृश्यो पण सर्जाया छे। केवी रीते अकस्मात सर्जायो अने हाल त्यां परिस्थिति केवी छे? जे प्रकार ने आग ने गंभीर घटना बनी छे, तलासरी पासे नेशनल हवे 8 अत्यारे संपूर्ण रीते जाम छे। बन्ने तरफ नो वाहन व्यवहार खोरवायो छे अने चार वाहनों वच्चे भीषण आग लागी हती। अत्यारे पण आग जे छे ए चालू छे, आग बुझावानी कामगीरी शुरू छे। एक कंटेनर अत्यारे आग लागवानी जे प्रक्रिया चालू छे। बे जे कार छे ए बळीने संपूर्ण खाक थई गई छे। 3 થી વધારે મુસાફરો ઘાયલ છે, તો 2 ના મોત થવાની શક્યતા જોવાઈ રહી છે। અને પ્રશાસન તેમજ અહીંનું જે વાપી દમણ અને દહાણુથી ફાયરની ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે। આગ પર પ્રયત્ન મેળવવાના શરૂ કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ હજી તે આગ છે જે એ હજી ચાલુ છે અને બંને તરફનો વાહન ખોરવાયો છે। કિલોમીટર સુધીના જે વાહનો છે તે અટવાયા છે અને આગને લઈને અત્યારે હાલ પરિસ્થિતિને કાબૂમાં મેળવવા માટે પ્રયાસો હાથ ધરી રહ્યા છે। જી बिल्कुल मानव, વધુ માહિતી આપની પાસે મેળવતા રહેશું। આભાર આપનો। સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ જે રીતે કહી શકાય ભીષણ આગ લાગી છે, કન્ટેનર અને ટેન્કર વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયા બાદ આગ લાગી છે, બે કાર બળીને ભસ્મ થઈ ગઈ છે, તો 3 જેટલા વ્યક્તિ ઈજાગ્રસ્ત બન્યા છે, સાથે 2 વ્યક્તિના મોતની આશંકા સેવાઈ રહી છે।